नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। दारू जुआ सरदार वेश्यावृत्ति का शहर बना छतरपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड की दुकानें बंद और स्थानीय लोगों ने धरने पर बैठकर याद जताया विरोध प्रदर्शन। कहा पुलिस के संरक्षण में हो रहा अवैध कारोबार, 144 धारा लागू। सटई रोड, देरी रोड, महर्षि स्कूल के पास, पठापुर रोड सहित देश के अनेक स्थानों पर हो रहे अवैध कारोबार। गुस्साए सटई रोड के वार्डवासियों ने वीहर हनुमान के मंदिर पर दिया धरना, कुछ आरक्षकों पर लगाया आरोप। आपका नाम? मेरा नाम मिंटू बंडा है। आज आप लोग क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? हमारा मेन प्रदर्शन करने का मकसद है कि ये सटाई पन्ना नाके से लेके पीतामा मंदिर तक हमारा एक देवस्थान है, माँ पीतामा विराजमान है। यहाँ पे दारू, गांजा, जुआ, ये वेश्यावृत्ति जगह जगह हो रही है। इसके लिए हम लोग शासन से, प्रशासन से और अपने वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन है कि इसको शीघ्र अति शीघ्र बंद करवाया जाए। इसमें कुछ पुलिस वाले भी सम्मिलित हैं, उनमें दो लोगों का नाम हम जानते हैं जो संरक्षण दिए हैं। क्या नाम है? वो सिपाही, एक है बीडी यादव, एक वो खान है मंसूरी। क्या नाम है उसका? मंसूरी खान, मंसूरी खान। ये लोग इन अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनको बचाने का, उनसे लेन देन का काम करते हैं। उनका जो एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट नहीं है, वो इतना नशा करता था। नशा क्यों करता था? शहर नशा मिल जाता है यहाँ पे, जंग एक स्पॉट में दस कदम पे आपको नशा का कारोबार चल रहा है। इसलिए वो नशा किए था और तेज गाड़ी चला रहा था, इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ। उसके परिवार में लड़कियां तीन छोटी छोटी हैं, शादी योग्य हैं, तीन बच्चे हैं। इसमें प्रशासन से निवेदन है कि सख्त कार्रवाई हो और ये लोग जो नशा करते हैं उनको ना संरक्षण देकर उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और ये नशा खत्म करवाया जाए। यदि नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज पन्ना नाके से लेकर पीतामा मंदिर तक लेकर पूरी मार्केट बंद है, पूरे व्यापारियों का सहयोग है। नेता प्रशासन सबसे निवेदन है कि इसके लिए आप तत्पर होकर अपना काम करें। शहर में देरी रोड पर महर्षि स्कूल के पास भी ये वेश्यावृत्ति का कारोबार चल रहा है, कई बार वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी आवेदन दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर आप? इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्थानीय लोगों ने प्रशासन को आवेदन जरूर दिया है। ये लोग गोरख धंधे में बड़ी मात्रा में लिप्त हैं, तो ये प्रशासन को सुना जाता है कि ये प्रशासन को पुलिस को पैसा देकर अपनी शॉर्टकट बना के चला रहे हैं। आप जानते होंगे कि बिना पुलिस, बिना प्रशासन के सहयोग के बिना ये काम नहीं चल सकता है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ रोडों पर ट्रैक्टर लगाए जा रहे हैं। ट्रैक्टर के लिए आप एक तरफ स्थान खड़ा कर दीजिए, वहाँ पर आप ट्रैक्टर लगवाएं।